तो शुरुआत लखनऊ की खबर के साथ, जहां पर कृष्णा नगर की फौजी कॉलोनी में कुछ बदमाशों ने घर में बुजुर्ग दंपत्ति की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए हैं। 74 साल के कृष्ण दत्त पांडे अपनी पत्नी माधुरी देवी के साथ रहते थे। बुजुर्ग दंपति के घर पर एक किरायेदार भी रहता था, जो वारदात के वक्त घर पर मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डबल मर्डर की पड़ताल के लिए डॉग स्क्वाड, फिंगर एक्सपर्ट्स की टीम भी घटनास्थल का जायजा ले चुकी है। बुजुर्ग दंपति की हत्या की वारदात से यूपी पुलिस की सुरक्षा के दावों की जरूर पोल खुलती है। राजधानी लखनऊ में ऐसा हाल है तो कस्बों और गाँव में बुजुर्ग कितने सुरक्षित होंगे, ये जरूर अहम सवाल है। घर में घुसकर इस तरह से हत्या को अंजाम दिया जाता है। अभी तक बदमाशों के बारे में कोई भी सुराग पुलिस को नहीं लग पाया है। 74 साल के कृष्ण दत्त पांडे अपनी पत्नी माधुरी देवी के साथ घर में रहते थे और बुजुर्ग दंपति के घर पर एक किरायेदार भी रहता था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये वारदात हुई, किरायेदार घर पर मौजूद नहीं था। अभी तक पुलिस कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई है कि हत्या में कौन लोग शामिल है, क्या उनका मकसद रहा है, लेकिन घर में घुसकर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या का मामला जरूर लखनऊ में सनसनी फैला रहा है। और अब खबर झारखंड के पलामू से, जहां पर नक्सली हमले में 7 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जबकि 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया है। हमला पलामू के छतरपुर इलाके में किया गया, जब पहले से घात लगाए नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों की बस को लैंडमाइन ब्लास्ट से उड़ा दिया। नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए। पुलिस ने इलाके की घेरेबंदी कर ली है और नक्सलियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। तो नक्सलाइट एरिया है ये, उसी समय ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिस वक्त ये पुलिसकर्मी जब सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, उसी वक्त नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं तो 7 पुलिस के जवान शहीद भी हो गए, लेकिन नक्सली अभी तक हत्थे नहीं चढ़े हैं। हालांकि नक्सलियों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, प्रत्यर्पण कराने के लिए कोशिशें बहुत होती है, एक योजनाएं भी हैं, लेकिन फिर भी हम देखें तो ये तमाम चीजें कारगर साबित होती नजर नहीं आती। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां की विशाखापट्टनम में 5 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। ये सभी दिल्ली नंबर की कार में सवार थे। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि ये वही संदिग्ध थे जो भुवनेश्वर के होटल से लापता हो गए थे। दरअसल भुवनेश्वर के होटल से लापता 4 संदिग्धों की तलाश उड़ीसा पुलिस भी कर रही है। ये संदिग्ध होटल में रुकने गए थे और वहां उन्होंने खुद को इराकी नागरिक बताया था, लेकिन इनकी पहचान से जुड़े दस्तावेज जब मांगे गए तो चारों वहां से चले गए। जांच में संदिग्धों की गाड़ी का वो दिल्ली का नंबर यूज कर रहे हैं फर्जी तरीके से, ये भी सामने आया था। तो हिरासत में लिया गया है अब इन चारों को। विशाखापट्टनम पुलिस की हिरासत में ये 5 विदेशी नागरिक हैं, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। ओडिशा में ये होटल में रुके हुए थे और उसके बाद से ही गायब थे। इनकी तलाश की जा रही थी और अब जब ये पकड़े गए हैं तो हिरासत में लेकर ये जानने की कोशिश हो रही है कि इनका नेटवर्क कहां कहां है। अब अहम खबर, देश की पहली 20 स्मार्ट सिटीज वो कौन सी होंगी, इसका आज ऐलान किया जाएगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू 97 शहरों में से 20 विजेता शहरों का ऐलान आज करेंगे, जिन्हें पहले चरण में विकसित किया जाएगा। बाकी शहरों का विकास दूसरे और तीसरे दौर में किया जाएगा। स्मार्ट सिटीज चैलेंज में 97 शहर हैं, जिसमें से 20 विजेता शहरों का ऐलान आज किया जाएगा। पहले चरण में 20 शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा, जिसके तहत बिजली और पानी की आपूर्ति, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आईटी कनेक्टिविटी, ई गवर्नेंस और जन सहभागिता के क्षेत्र में काम किया जाएगा। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी की सूची में यूपी के सबसे ज्यादा 12 शहर हैं। इसमें मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा शामिल है। तो वो 20 स्मार्ट सिटीज कौन सी होंगी जिनको फर्स्ट फेज में डेवलप किया जाएगा, ये आज पता लगेगा। वो लकी सिटीज जिनका नाम आज घोषित किए जाएंगे। 97 शहर ऐसे हैं जिनको स्मार्ट सिटीज के तौर पर विकसित करना है, लेकिन वो कौन सी 20 ऐसी सिटीज होंगी जिनको शुरुआती दौर के लिए चुना जाएगा, इसका आज ऐलान किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज यूपी लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर एक फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हमें लगा कि नियुक्ति के मामले में हमसे गलती हुई है
तो इसे वापस लिया जा सकता है, लेकिन अदालत नियुक्ति के मामले को दोबारा चयन समिति के पास नहीं भेजने वाली। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार पर लोकायुक्त के लिए सेवानिवृत्त जज वीरेंद्र सिंह का नाम गलत तरीके से अदालत के सामने रखने का आरोप लगा था। नियम के तहत मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की समिति से लोकायुक्त के नाम पर फैसला होने पर राज्यपाल को नियुक्ति के आदेश जारी करने चाहिए थे। साथ ही याचिका में शीर्ष अदालत से 16 दिसंबर के आदेश में बदलाव करने की अपील है, जिसमें अदालत ने रिटायर्ड जज वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त किया था। ब्रिजेश से ज्यादा जानकारी देने के लिए, ब्रिजेश एक बात तो बिल्कुल साफ है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा, जो भी नाम तय होता है या अगर इसी नाम को आगे बढ़ाया जाता है, ये इंतजार करना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या आता है, लेकिन चयन समिति के पास तो अब ये मामला नहीं जाने वाला। यानी कहें कि चयन समिति पर दरअसल अब कोर्ट को विश्वास नहीं रह गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इस पूरे नाम को लेकर के जो है विरोधाभास सामने आए, कंट्रोवर्सी सामने आई, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो यूपी सरकार है उसके उसमें नाराजगी दिखाई थी, साथ ही जो याचिकाकर्ता थे उनको भी जो है काफ़ी तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने आरोप तो लगाए लेकिन आप लोग ये साबित कर पाने में नाकाम रहे कि आखिर जस्टिस वीरेंद्र सिंह का नाम लोकायुक्त के तौर पर क्यों आगे ना बढ़ाया जाए। वहीं उन्होंने राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं कटघरे पर खड़ा किया था कि आखिर गुमराह क्यों किया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमने जब नाम तय कर दिया है तब हम इस नाम को दोबारा सिलेक्शन कमेटी के पास तो भेजने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ जो तथ्य सामने आए हैं, जिस तरीके से बहस हुई है, उसके आधार पर हम ये तय करेंगे कि आखिर हमें फैसला क्या लेना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फैसला क्या आता है इस पर देखने की सबकी दिलचस्पी होगी, क्योंकि अगर किसी भी सूरत में अगर ये फैसला कंटिन्यू रहता है तो निश्चित रूप से यूपी सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी, लेकिन अगर इसमें किसी तरह का कोई बदलाव होता है तो विपक्षी यूपी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले ही कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग रहे थे। तो ऐसे में बेहद ही अहम यह फैसला 10 बजे लगभग जो है इस पर 10 से 10:30 के बीच में फैसला आने की संभावना है, तो कुछ घंटे हैं, कुछ घंटे में जो है तय हो जाएगा कि आखिर कानून के जानकार क्या मानते हैं ब्रिजेश, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोर्ट ने खुद स्वतः ज्ञान लिया था इस पूरे मामले में, नियुक्ति कर दी थी, नाम बता दिया था, लेकिन उसके बाद आया सामने कि गलत तरीके से नाम रखा गया था सरकार की तरफ से। ऐसे में ये कहें कि अपनी तरह का दरअसल ये पहला मामला है, कानून की जानकार इसे किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए तो कोर्ट के तमाम आदेशों के बाद, इंस्ट्रक्शंस के बाद भी यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है इसको संज्ञान में लिया और उसके बाद राज्य सरकार से 5 नामों को देने के लिए कहा और 16 दिसंबर को उन्होंने जस्टिस वीरेंद्र सिंह को लोकायुक्त के तौर पर ऐलान भी कर दिया। लेकिन उसी के बाद सच्चिदानंद गुप्ता की एक याचिका लगी जिसमें कहा गया कि सरकार ने गुमराह किया है और गलत तरीके से इनका नाम भेजा गया है, जबकि जो 3 सदस्यीय समिति है वो उसमें सहमति ही नहीं थी। तो उसके बाद एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। कानून के जानकार तो मानते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है तो वो इस फैसले को बदल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अपने पिछले सुनवाई के समय साफ तौर पर कहा कि आप लोग ये बता पाने में नाकाम रहे हैं, ये स्पष्ट सबूत दे पाने में नाकाम रहे हैं कि आखिर क्यों जस्टिस वीरेंद्र सिंह का नाम बदल दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो है जरूर सवाल खड़ा होता है कि आपने आरोप तो लगाए लेकिन आरोप साबित नहीं कर पाए। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं जो कानूनी जवाब दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से, उससे संतुष्ट नहीं था सुप्रीम कोर्ट। अब आज जरूर देखने वाली बात होगी क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। ब्रिजेश अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह के दूसरी बार पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो सकती है। बैठक में अमित शाह का नए बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही अध्यक्ष को पार्टी भी दी जाएगी। पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी समेत कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे, साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि 24 जनवरी को अमित शाह दूसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष बने थे और उसके बाद पहली बार ये बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही है। और अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दलित स्कॉलर रोहित वैमुला की खुदकुशी मामले में अब यूनिवर्सिटी के SC ST टीचर्स ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी के SC ST टीचर्स वाइस चांसलर को हटाने के लिए आज से भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। SC ST शिक्षक फोरम के मुताबिक यूनिवर्सिटी में एकेडमिक और प्रशासनिक गतिविधियां बहाल करने के लिए कुलपति और अंतरिम कुलपति का इस्तीफा जरूरी है।
तो वही छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कल छात्रों ने अंतरिम कुलपति के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि अनुशासनहीनता के आरोप में विश्वविद्यालय प्रशासन ने रोहित वैमुला समेत उनके 5 दोस्तों को हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद रोहित ने खुदकुशी कर ली थी। हालांकि हंगामा बढ़ने पर बाकी छात्रों का निलंबन रद्द कर दिया गया। और अब बात तेज रफ्तार कहर की। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। उत्तम नगर इलाके में बेकाबू होंडा सिटी ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी शख्स फरार बताया जा रहा है। हादसा देर रात करीब 12 बजे का है। तो साइकिल सवार को कुचला बेकाबू होंडा सिटी ने रात 12 बजे कि ये पूरी घटना बताई जा रही है, जिस वक्त तेज रफ्तार गाड़ी ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया। और इधर पंजाब के पटियाला के राजपुरा में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को बुरी तरह से कुचल दिया। हादसा 22 जनवरी का है, जब बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद कार सड़क किनारे एक घर की बाहरी दीवार को तोड़कर अंदर जा घुसी। अब अंदाजा लगाया जा सकता है इस कार की स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी कि जिस वक्त बाइक को इसने टक्कर मारी, टक्कर के बाद यह कार सड़क किनारे घर की बाहरी दीवार को तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। सीसीटीवी में ये पूरी की पूरी जो घटना है ये पूरा कैद हुआ। और ये आप देख भी पा रहे हैं कि सुरह से तेज रफ्तार गाड़ी, रफ्तार इतनी ज्यादा तेज कि कंट्रोल नहीं हुई स्पीड, जिस वजह से एक बाइक सवार की मौत हो गई। तो घर की दीवार को तोड़ते हुए घर में जा घुसी ये गाड़ी। और अब बात शाति ठग की, जो अब कानून के फंदे में फंस गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर 2 साल से ठगी कर रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये शख्स मुख्यमंत्री के लेटर हेड पर लोगों को ठेके दिलाने का काम करता था और काम कराने के नाम पर वसूली भी करता था। तो 2 साल से पुलिस लगातार इसको ढूंढ रही थी। ये पुलिस को चकमा देकर इस नटवर लाल को मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में जब हस्तक्षेप किया तो इसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से भारत सरकार की प्लेट और नीली बत्ती लगी 2 लग्जरी गाड़ियां और लाखों रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। इसके साथ ही कई ऐसे दस्तावेज भी पुलिस ने इसके पास से बरामद किए हैं जो बेहद संवेदनशील है। यही जो ये किया है, इसकी गलती हो गई। क्या किया है? यही जो टेंडर वाला था। तो बस दिलवाने के लिए कितने लोगों को ठग चुके हो, कहां रहने वाले? सर मैंने आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है। अच्छा, टेंडर देने के नाम सर ये अभी मैंने बाहर से लेके किसी तरीके से, उन्होंने जबरदस्ती ब्लेम लगाया। अच्छा। ये मैंने अपने बाहर से कैसे भी अरेंज करके तो दिया है। कोई एक आदमी अपने आप को भारत सरकार का एम्प्लॉई बताकर, माननीय मुख्यमंत्री जी का PS बताकर लोगों से पैसा ठग रहा है। पुलिस ने जांच की और उसके साथ साथ पुलिस को एक संजय प्रसाद नाम के आदमी ने तहरीर भी दी कि उसको टेंडर दिलवाने के नाम से उससे 17 लाख रुपए एक सौरभ वत्स के नाम के आदमी से ले लिए गए। उसकी जांच करने पर SPCT के नेतृत्व में टीम हमने गठित की थी। SOG और पटेल नगर की टीम ने आज सौरभ को गिरफ्तार किया है। चलिए बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली वालों को एक नई समस्या से अब दो-चार होना पड़ेगा और ये है कूड़े की समस्या। क्योंकि MCD के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। 3 नगर निगम के कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं। वेतन नहीं मिलने के कारण 1.5 लाख कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं। स्ट्राइक में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी और दूसरे विभागों के 20 एसोसिएशन शामिल हैं। इन सभी कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और हड़ताली कर्मचारियों के मुताबिक अगर 31 जनवरी तक उनको बकाया वेतन नहीं मिलता है तो वो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस बीच खबर यह है कि दिल्ली के 3 MCD के मेयर केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। तो वहीं सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार और दिल्ली नगर निगम को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इसके पहले अक्टूबर में भी यही देखने को मिला था, वेतन के बकाए को लेकर स्ट्राइक की गई थी और उस वक्त ये तर्क दिया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से कि MCD दिल्ली सरकार में आती ही नहीं है। जिसके बाद एक RTI लगाई गई और उसके बाद ये सामने आया कि नहीं, दिल्ली सरकार का ही पार्ट MCD है और ऐसे में तमाम बकाए का भुगतान उसे करना पड़ेगा। उसके बाद शुरू भी हुई कवायद भुगतान करने की, लेकिन फिर मुश्किलें हैं MCD के आगे कि करें तो करें क्या, क्योंकि MCD
के पास जो भी अपने फंड्स हैं वो खाली हो चुके हैं और चार चार पाँच पाँच महीने से सैलरी नहीं मिली हुई है। लोगों का कहना है कि अपने परिवार को वो कैसे चलाएं, लेकिन क्यों नहीं, कोई रास्ता निकालने की कोशिशें होती हैं। और अब ऐसे में अगर दिल्ली कूड़े का ढेर बनती है, सोचिए देश की राजधानी है, यहाँ पर VVIPs भी रहते हैं, तो लगातार यहाँ पर विदेशी भी आते रहते हैं। अब अगर ये तस्वीर लेकर वो बाहर जाएंगे तो क्या बहुत अच्छी इससे इमेज जाएगी, लेकिन क्यों नहीं इसका कोई एक हल निकालने की कोशिश होती है। एक तरफ तो हम प्रदूषण को कंट्रोल करने की बात करते हैं और इस तरह से गंदगी का अगर अंबार रहता है तो क्या पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। देखना होगा कि इस बार ये कहा क्या जाता है, किस तरह से एमसीडी कर्मचारियों की ये समस्याएं दूर की जाती हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एमसीडी कर्मचारियों की समस्या नहीं है बल्कि दिल्ली वालों की समस्या है, क्योंकि अगर एमसीडी कर्मचारी स्ट्राइक पर रहेंगे तो फिर दिल्ली का कूड़ा कौन उठाएगा।